हेलो गाइस, मैं हूँ गुरमीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रीति आर्ट वर्क में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्नेक। इसे बनाने के लिए मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। अनुपम कंपनी का स्लेट स्केच बुक है, 180 GSM है, A5 साइज का ये बुक है। कुछ लोकल ब्रशेस मैंने ली है, कैमल स्टूडेंट पोस्टर कलर और एक वाइट कलर मेरे पास ख़त्म हो चुका था तो मैंने अलग से एक लिया है, एक कंटेनर वाटर के लिए। और जो पेंसिल्स हम यूज़ करेंगे उसमें दो तरह के पेंसिल होंगी, एक होगी हमारी नॉर्मल पेंसिल जो हम स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक होगी अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल। ये पेंसिल हमें वाइट कलर की मिलती है, पहले हम नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम ये पेंसिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम इसे इरेज नहीं कर सकते तो हम डायरेक्ट इसे अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए पहले हम नॉर्मल पेंसिल यूज़ करेंगे उसके बाद वाइट पेंसिल यूज़ करेंगे। हमें कलर थोड़ा थिक अप्लाई करना है, वाटर हम कम यूज़ करेंगे, कम वाटर मिला के हमें कलर बनाना है और फिर उसे करना है। मैंने जो कलर्स लिए हैं उसमें ब्लू है, ब्लू के सारे शेड्स हैं एंड वाइट है, ये दो ही कलर हम यूज़ करेंगे। जहाँ हमने डार्क दिखाना है वहाँ हमने डार्क ब्लू, उससे थोड़ा लाइट ब्लू, ऐसे करके हमें कलर को अप्लाई करना है और वाइट का यूज़ होगा। बस ये दो मीडियम कलर्स यूज़ होंगे, बाकी हमें यूज़ नहीं करने हैं। अब जो मैं कलर कर रही हूँ वो देखने में आपको ब्लैक जैसा लगेगा, बट ये डार्क ब्लू है, इसमें मैंने वाटर कम मिलाया है इसीलिए ये अभी थिक है और ये देखने में थोड़ा ब्लैक लग रहा है, बट ये ब्लू है। जहाँ भी हमें ब्लैक थोड़ा अप्लाई करने का ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ डार्क प्लेस होंगे वहाँ पर हम डार्क ब्लू अप्लाई कर देंगे। आपको पेंट करने के लिए जो भी कलर चाहिए हो उसे आप एक बार में पैलेट पे निकाल के रख लें। मैं वाटर कलर की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप पोस्टर कलर करते हो तब आपको पैलेट पे निकाल लेना चाहिए, इससे आपका काम बहुत इजी हो जाता है। जितनी भी क्वांटिटी में कलर चाहिए वो उतनी क्वांटिटी में आप निकाल लें, इससे आप बहुत आसानी से पेंट कर सकते हैं। बार बार आपको बोतल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेंट करने के लिए, और आप अगर वैसे करोगे तो आपका कलर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप अगर गलत ब्रश मिक्स कर देते हो लाइट कलर पे या डार्क कलर पे तो आपके कलर्स भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए आप एक बार पैलेट पे निकाल के कीजिए और बाद में पैलेट को वॉश कर लीजिए। ये फर्स्ट कोट मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसमें वाइट भी मैंने अप्लाई किया है, ब्लू भी किया है, बट ये पूरा का पूरा मिक्स होगा। जैसे वाइट मैं अप्लाई कर रही हूँ तो ब्लू ही उतना क्वांटिटी में होगा, वाइट भी उतना ही क्वांटिटी में होगा। जो बॉडी का अपर साइड है, जो ऊपर साइड फ्लैश हो रहा है, वो सब हमें वाइट करना है। जो अंदर साइड मतलब पोर्शन है जो बॉडी का, वो हमें डार्क कलर से करना है, शेडो। जैसे हम नीचे साइड है वहाँ पर शेडो होगा, तो इसीलिए वहाँ पर हमें डार्क अप्लाई करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या महसूस करते हो कि कौन सा साइड पे लाइट रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ये उसी पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको पोर्ट्रेट करते हो।
लास्ट लुक ऐसा दिखेगा। अगर आप बनाएंगे इस पेंटिंग को तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसे शेयर करिएगा। मेरे आर्ट के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।